नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव। आप सभी कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए ऑफलाइन कोचिंग यानी कि ऑफलाइन जो बैचेस चलते हैं हमारी एकेडमी में, साल से साल चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, इंडियन एयरफोर्स में जो नॉन कॉम्पिटेंट की जो भर्ती निकलती है, बहुत से लड़के ये मानते हैं कि सर, इसमें ज्वाइनिंग नहीं होती है, या फिर इसमें पता ही नहीं चलता कि ज्वाइनिंग कब हो जाती है, या फिर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर, ऑफलाइन फॉर्म कब आते हैं और कैसे इसको फॉर्म को फिल किया जाता है, या फिर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर, हमारी कभी कॉल ही नहीं आती है। प्यारे बच्चों, हमारे पास में जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं, ऐसा शायद ही कोई रहता हो जिसकी कभी कॉल ना आती हो। अभी मैं आपको एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में नॉन कॉम्पिटेंट में जो भर्ती आई थी पिछली बार, उस भर्ती में एक बच्चे की जो उम्र है वो 17.5 साल से थोड़ी सी कम थी, जिसको इस वजह से रोक दिया गया कि अभी आपको एक फॉर्म भरना होगा और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी 2024 अप्रैल यानी कि इसी महीने में उस बच्चे की अब ज्वाइनिंग होगी। उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी चीज, उसी बच्चे से मैं आपको लाइव इंटरेक्ट भी करवाऊंगा कि किस प्रकार से उस बच्चे ने सिलेक्शन लिया इंडियन एयरफोर्स के नॉन कॉम्पिटेंट में, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये ही पता है कि इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के थ्रू ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एयरफोर्स में नॉन कॉम्पिटेंट के लिए, ये जो वैकेंसी होती है ये होती है गैर लड़ाकू, यानी किसमें लड़ाई से लेना देना कुछ नहीं होता है। ये भी अग्निपथ स्कीम की तरह ही 4 साल के लिए है, जिसमें कि आपको एक प्रकार से, अगर मैं यूं कहूं कि ट्रेडमैन की भर्ती होती है ये एक प्रकार से। आओ इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है, कब कब आपकी वैकेंसी आती है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी और एक गलत फहमी है बच्चों की कि इसके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, इसमें ज्वाइनिंग नहीं होती है, क्योंकि मेरे खुद स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स के नॉन कॉम्पिटेंट में भर्ती हुए हैं और जॉब कर रहे हैं आज। सही स्ट्रेटेजी के साथ में आप ना तो तैयारी करते हैं और ना ही आप सही तरीके से फॉर्म भरते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सिलेबस भी बहुत कम होता है, मात्र 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 इंग्लिश के और 10 जीके के। आओ मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं बच्चों, आ जाइए। ये तो है मेरे बच्चों, वो आपका जिस बच्चे की भी ज्वाइनिंग होनी है, अपना एक बच्चा है जिसकी ज्वाइनिंग होनी है अप्रैल में, क्योंकि ये अंडर एज था, ठीक है। ये है अंडरटेकिंग फॉर जेन्युइन्स ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, यू हैड अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन एट द यूनिट फॉर सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट इंटेक्ट 2023 ऑन 9 अक्टूबर 2023। यू हैव क्लियर द रिटन एग्जाम एज वेल एज इन द फर्दर टेस्ट ऑफ द सेम, यानी कि अगले जो टेस्ट थे उनको भी आपने पास कर लिया है। एग्जाम, रिटन एग्जाम के साथ साथ जो अगले टेस्ट थे आपके, चाहे उसमें फिजिकल हो, सारे को आपने पास कर लिया। आगे है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू सबमिट द एबव मेंशनड फॉर्म डली कंप्लीटेड कॉपी। क्या है बच्चों, द फॉर्म टू बी कंप्लीटेड एंड फॉरवर्ड द स्कैंड कॉपी एट अवर एबव मेंशनड मेल एट द अर्लीएस्ट फॉर अवर फर्दर एक्शन, यानी कि आपको एक इनकी ईमेल आईडी दी हुई है, उस पे इस बच्चे को अभी अपना एक जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और वो क्या है, अंडरटेकिंग है। वो अंडरटेकिंग का आएगा एक तो सर्टिफिकेट्स का कि मेरे सर्टिफिकेट सारे ठीक हैं, और दूसरा अंडरटेकिंग है इस बच्चे का कि जिसमें इस बच्चे की उम्र सीमा अभी कम है ज्वाइनिंग करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो इस बच्चे को एक इसके माता पिता के द्वारा सिग्नेचर करके तब जो है ये ईमेल आईडी पे भेजेगा, तब इसकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है बच्चों। ये इस वजह से दिखाया, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर ज्वाइनिंग शायद नहीं होती हो, तो बच्चों ज्वाइनिंग होती है और हर बच्चे की ज्वाइनिंग होती है, जो भी बच्चा मेहनत करता है, जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, ज्वाइनिंग होती है उसकी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी में, ये देखिए पूरा वो था अपने पास में। अब हम इसमें करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत इजी है, देखेंगे आप बेटा। सबसे पहले आप इसमें एक चीज समझो बेटा, सिलेक्शन प्रोसेसर की मैं बात करूं, प्रोसेस की बात करूं,
ठीक है, क्या है इसमें बेटा? एक होता है फेज वन, यानी कि पहले होता है बच्चों इसमें रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होता है हमारा, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द आईएएफ स्टेशन। मैं सदैव आप लोगों को वही स्टेशन बताता हूं जो आपके नजदीक में होता है, जो भी अपने पास में बच्चे होते हैं जो हमसे क्वेरी करते हैं। तो बच्चों करीब 100 प्लस उसमें सेंटर आते हैं जिन पे आप अपने अलग अलग राज्य से अप्लाई करते हैं, वहीं पे आपको जाना होता है बच्चों एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट मार्क्स। सब्जेक्ट क्या क्या है, उनके मार्क्स क्या क्या है, उसके विषय में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे मेरे बच्चे रिटन एग्जाम के लिए। देखो बेटा इसमें आपके अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंग्लिश होती है इसमें आपकी क्लास 10th लेवल पे, बहुत ही इजी और सरल इसका क्वेश्चन पेपर होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, आगे है इसमें आपका जनरल नॉलेज है, क्लास 10th स्टैंडर्ड है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट में वो 20 होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं ये एग्जाम फाइट करना बच्चों को टफ पड़ जाता है, क्योंकि जनरल इंग्लिश तो हो जाती है बहुत आराम से क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए पूरे इतिहास, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स सारा कुछ इसमें हमको याद करना होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपके जनरल नॉलेज से संबंधित। इसमें जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल स्टडी भी होता है मेरे बच्चों, जनरल स्टडी भी इसमें लिख लेना, जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल स्टडी भी होता है, यानी कि जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं साइंस से संबंधित। जब ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा फिर यहां से एक आपको मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद में फिर आपको बुलाएंगे वो फेज टू में। फेज टू में मेरे बच्चे क्या क्या होता है, फेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है मेरे बच्चे, इसमें आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें आपका 10 पुशअप्स लगवाते हैं ये, 10 इसमें सिटअप्स होते हैं और 20 इसमें बच्चों स्क्वाट्स होते हैं। फिजिकल की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, आपको बता दूं ये 1 मिनट में आपको लगानी होती है 10 पुशअप, और ये भी आपको 1 मिनट में लगानी होती है, और जो उठक बैठक होती है ये आपको तकरीबन 1.5 मिनट में आपको लगानी होती है 20 स्क्वाट्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो स्टॉप कर देते हैं बीच में कई बार। रेस की बात कर रहे हैं हम, रेस आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, और ये जो रेस है आपकी 1600 मीटर की ये आपको कितने समय में करनी है बच्चों, ये करनी है 6.5 मिनट में। जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए 6.5 मिनट में रेस काफी टफ होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी होते हैं जो एक्स और वाई ग्रुप में जो 7-7 मिनट में भी रेस नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो रेस की भी आप तैयारी करते रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। एग्जाम की बेस्ट अगर रणनीति आपको चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना बेटा, वहां पर आपके लिए पूरा हमने कोर्स वगैरह बना करके सब कुछ लॉन्च करके रखा हुआ है, आप वहां से कोर्स जाकर के देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आनंद आएगा पढ़ने में भी। बच्चों फिर होता है इसमें फेज थर्ड, क्या होता है इसमें फेज थर्ड होता है। फेज थर्ड में क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, एयरफोर्स में जो नॉन कॉम्पिटेंट की भर्ती होती है, यानी कि ये जो भर्ती होती है ये होती है आपकी गैर लड़ाकू, जिसको आप दूसरे प्रकार से यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से ट्रेडमैन की ही भर्ती होती है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ट्रेडमैन की भर्ती होती है बच्चों। आइए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। इसमें जो थर्ड हमारा टेस्ट होता है वो होता है स्किल टेस्ट, यानी कि जो जिस भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे घबराते हैं कि सर हमको कुकिंग की कोई जानकारी नहीं है। बेटा मैं सदैव बच्चों को एक ही चीज रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी ऐसे प्रोफेशनल किचन में जाइए, ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए जहां पर बहुत अच्छे ढंग से काम होता हो। वहां पे जो शेफ होते हैं, जो मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए होते हैं, वो आपको 5 दिन के अंदर अंदर माहिर कर देते हैं कुकिंग के मामले में, जितने भी प्रकार के आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, या फिर आप जनरली जो भी आपका एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है इसका फेज थर्ड में, मैं आपको बता दूं इसमें अगर आप कुकिंग का ऑप्शन आपने लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाकर के किस तरीके से हमको भोजन को प्रेजेंट करना है, कैसे जाकर के सर्व करना है, कैसे हमको खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे खाना हमारा टेबल पे सजा हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है, पहले दिया है हॉस्पिटैलिटी, इसमें क्या है डेमोनेस्ट्रेटेड एप्टीट्यूड फॉर टास्क एसोसिएटेड विद कुकिंग इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ मीट।
यानी कि आपको मीट भी काटना आना चाहिए अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वेजिटेबल्स कट करनी आनी चाहिए, मछलियां काट सको, और हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट यानी कि किचन में जितने भी औजार होते हैं उनका भी आपको प्रयोग पता होना चाहिए कि इनका प्रयोग कैसे होता है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ डिशेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन है उसको आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर पाते हैं ये भी सब आपको पता होना चाहिए। फिर है यहाँ से नॉलेज ऑफ द सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है बच्चों? साफ सफाई होता है एंड हाइजीन, यानी कि जो साफ और सफाई होती है उसके विषय में भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि जैसे कि किन किन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आगे है बच्चों ऑफ किचन, डाइनिंग हॉल एंड इंक्लिनेशन एप्टीट्यूड टू द मेंटेन सेम, यानी कि हर जगह आपको मेंटेन करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कुकिंग से संबंधित यानी हॉस्पिटैलिटी के, इसमें एक ऑप्शन आता है हॉस्पिटैलिटी का, अगर आप इसको चुनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना हॉस्पिटैलिटी की, 5 दिन के अंदर आप एक अच्छे शेफ के पास जाते हैं तो सारा को सीख जाते हैं। डेमोनस्ट्रेटेड एप्टीट्यूड टू सर्व फूड, यानी कि पानी और जो बेवरेजेस होती हैं या फिर पानी और फल साग सब्जी जो भी होता है उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से आप सर्व करते हैं, ये चीज़ मायने रखती है। पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, यानी कि आप कैसे बनकर के सामने जाते हो, मान के चलिए आप चाय कॉफ़ी या फिर पानी कुछ भी लेके जा रहे हैं तो आपकी खुद की अपीयरेंस कैसी है, आप सकल सूरत से मतलब नहीं होता है, आपका पहनावा, आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपका चलने का बोलने का हर तरीका आपका मायने रखता है, एक प्रकार से इंटरव्यू ही मानो इसको भी आप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहां पर होता है कॉमन नॉलेज। क्या होता है बच्चों? कॉमन नॉलेज आपको होनी चाहिए किसी से संबंधित, कॉमन नॉलेज ऑफ कुकिंग। ठीक है बच्चों, कॉमन नॉलेज ऑफ कुकिंग अप्लायंसेस एंड किचन फायर, अगर किचन में आग लग जाए तो उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, और सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, हाउसकीपिंग का काम आना चाहिए, डेमोनस्ट्रेटेड एबिलिटी टू स्वीप फ्लोर्स रोड्स एंड क्लीन बाथरूम्स कॉमोडीज यूरिनल्स एंड डेमोनस्ट्रेटेड। बच्चों ये सारी जो बातें हैं हमको देखने में और सुनने में ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातें हम कहाँ से सीखेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जिस समय आप रिटन एग्जाम अपना क्वालिफाई कर जाते हैं, 5 दिन के लिए आप किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जो मैनेजमेंट के बंदे जिसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का अच्छे से कोर्स किया हो, जो प्रोफेशनली शेफ हों, जो प्रोफेशनली कुक हों, उनके पास आप जब 5 दिन बिताओगे वो आपको माहिर बना देंगे 5 दिन में, आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद डिप्लोमा करने के बाद में इस प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हों, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी मिलती है मैनेजमेंट का जो कोर्स किए हुए होते हैं, और आप लोगों को इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज है वो है डिफेंस को ज्वाइन करना। तो बच्चों आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पर ये आपके पास में फिर होता है बच्चों आपका फेज 4th, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपकी आती है ज्वाइनिंग। तो प्यारे बच्चों, इंडियन एयरफोर्स के नॉन कॉम्बेटेंट के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर इसकी जब नई वैकेंसी आए तो हमको पता चले, तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट की जो भर्ती है ये आपकी अप्रैल और मई, यानी कि मई के 2nd वीक तक आपको इसका नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि ऑफलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। ध्यान रखना, ऑफलाइन फॉर्म फिल कर देना मत बिना हमसे जानकारी लिए। मेरा मतलब है हर बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें भरना है, कितने फ़ोटो लगाने हैं, कितने एनवलप लगाने हैं। प्यारे बच्चों जल्दबाजी मत करना, मैं आपको पूरा बताऊंगा तरीका कि कैसे फॉर्म भरना है, निश्चित ही कॉल आएगी। तैयारी के लिए आपके लिए पूरा एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट के लिए कोर्स बना करके तैयार मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर 2nd की चिंता अगर आपको भी है कि सर हमें जो किचन से संबंधित सारी बातें कहाँ से सीखनी है, तो उसके लिए हम आपके लिए बंदोबस्त करा देंगे। थैंक यू। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।